दोस्तों ये है साउंड स्टैंडर्ड कंपनी का टेक्नो फोर एम्पलीफायर। इस एम्पलीफायर प्रॉब्लम है, देखिए हम इसको सीरीज लाइन में चेक करेंगे। हम सीरीज लाइन में दे दिया है, देखिए सीरीज लैंप तेज़ी से जलता है, तो ये एम्पलीफायर शॉर्ट हो गया है और दोनों साइड का जो पोटेक लाइट एलईडी है वो जल गया है और फैन भी नहीं चलता है। देखिए हम इसको बंद कर दिए हैं, फिर से हम इसको ऑन करते हैं, देखिए ये पोर्ट नहीं कटता है, मशीन शॉर्ट हो गया है। देखिए इस एम्पलीफायर को हम कैसे ठीक करते हैं, तो आप हमारा चैनल को देखिए हम इसको कैसे ठीक करते हैं। दोस्तों हमारा इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कीजिए और बेल आइकन बजा दीजिए। जब आप नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। और जिस नया दोस्त हमारे चैनल को देखते हैं हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। पहले हम इस एम्पलीफायर को साफ कर लेते हैं, इसका अंदर बहुत सारे नोंगरा है इसलिए हम इसको पहले साफ कर लेते हैं। अभी हम मीटर से जो दो नंबर चैनल का मॉस्फेट है इसको हम मीटर से चेक कर लेते हैं। दोस्तों चैनल टू मीटर में ठीक लगता है, अभी हम वन चैनल को जो वन चैनल में जो मॉस्फेट है उसको हम चेक कर लेते हैं। देखिए वन चैनल में मॉस्फेट शॉर्ट हो गया है, मॉस्फेट शॉर्ट दिखाता है मीटर में। वन चैनल को हम खोल लेते हैं, हमने एक नंबर चैनल को खोल लिया है। अभी हम फिर से मॉस्फेट को मीटर से चेक कर लेते हैं कौन सा मॉस्फेट शॉर्ट हुआ है, इसलिए हम मीटर से मॉस्फेट को चेक कर लेते हैं।
दोस्तों इस साइड का जो मॉस्फेट है ये मीटर से ठीक लगता है। अभी दूसरा साइड में जो मॉस्फेट है उसको हम चेक कर लेते हैं। इस साइड का जो मॉस्फेट है मीटर से शॉर्ट दिखाता है। अभी हम ये जो इमीटर का जो रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस को हम खोल लेते हैं। इस रेजिस्टेंस को हम खोल लेंगे, उसके बाद हम मॉस्फेट को फिर से मीटर से चेक करेंगे कौन सा मॉस्फेट खराब हुआ है। रेजिस्टेंस को हमने खोल दिया है, अभी इस रेजिस्टेंस को हम मीटर से चेक कर लेते हैं। रेजिस्टेंस सब ठीक दिखाता है। हम इमीटर का रेजिस्टेंस खोल दिया है, अभी हम मॉस्फेट को मीटर से चेक कर लेते हैं कौन सा मॉस्फेट खराब है। देखिए ये मॉस्फेट सब ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। देखिए ये मॉस्फेट शॉर्ट हो गया है, इस मॉस्फेट खराब है। हम इस मॉस्फेट को खोल लेते हैं, ये मॉस्फेट शॉर्ट हो गया है। ये मॉस्फेट मीटर से ख़राब दिखाता है, इसलिए हम इस मॉस्फेट को खोल दिया है। फिर से हम एक बार जो मॉस्फेट मीटर से सही था उसको फिर से हम चेक कर लेंगे कहीं ख़राब हुआ तो नहीं, तो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब मॉस्फेट ठीक है। जो मॉस्फेट ठीक है उसका जो इमीटर का जो रेजिस्टेंस है हम वो रेजिस्टेंस को फिर से सोल्डरिंग कर देते हैं। जो मॉस्फेट ठीक था उसका जो इमीटर का रेजिस्टेंस हमने सोल्डरिंग कर दिया है, फिर से हम मीटर से हम चेक कर लेंगे ठीक है कि नहीं। उसके जो SMD रेजिस्टेंस है 10 ओम्स का वो भी ठीक है। सभी ये जो मॉस्फेट है वो ठीक है। एक पीस मॉस्फेट ख़राब हुआ था, इसलिए हम एक पीस मॉस्फेट नया ले लेते हैं। मॉस्फेट का जो नंबर है 1943, हम नया मॉस्फेट ले लिया है। ये मॉस्फेट को हम लगाएंगे।
मॉस्फेट को हम सोल्डरिंग कर दिया है और उसका जो लेग है उसको हम काट देते हैं। इमिटर का जो रेजिस्टेंस हमने खोल दिया था अभी वो रेजिस्टेंस को हम सोल्डरिंग कर देते हैं। जो मॉस्फेट शॉर्ट हुआ था उसको हम लगा दिया है। अभी हम फिर से एक बार मीटर में चेक कर लेते हैं ठीक है कि नहीं। ठीक है, इधर ठीक है, दूसरा साइड हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये पास भी ठीक है। ठीक है सब। इस चैनल को हम फिट कर लेते हैं। एक नंबर चैनल ख़राब था उसको हम ठीक किया और सेट भी कर लिया है। अभी हम चेक करेंगे। अभी हम सीरीज लाइन में दे दिया है। पावर स्विच भी ऑन कर देते हैं। देखिए सीरीज लैंप नॉर्मल हो गया है और फैन भी चालू हो गया है। और पोर्ट लाइट भी अभी नहीं है। एम्पलीफायर ठीक हो गया है। अभी हम इसको बंद कर देते हैं। अब गाना बजा के हम टेस्ट करेंगे। अभी हम एम्पलीफायर को चालू करेंगे। चालू कर लिया है। अभी हम गाना बजा के देख लेते हैं। दोस्तों ये एम्पलीफायर ठीक हो गया है। दोनों साइड ठीक है और कोई प्रॉब्लम नहीं है।